वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। भारत में 6 से 12 साल के बच्चों को भी लगेगी वैक्सीन। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कोवैक्सीन को DCGI ने मंजूरी दे दी है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भारत सरकार ने बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 6 से 12 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी है। सरकार के आदेश के मुताबिक 6 से 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। देश में बच्चों के वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी तक 12 साल से ऊपर के एज ग्रुप वाले बच्चों को ही वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन DCGI की मंजूरी के बाद अब 6 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स नाम का टीका दिया जा रहा है, जबकि 15 से 18 तक के लोगों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोविशील्ड, कोवैक्सीन सहित कई टीके उपलब्ध हैं। दरअसल देश में इस वक्त कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट XE बच्चों को तेजी से चपेट में ले रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चे काफी संक्रमित हो रहे हैं। यही वजह है कि बढ़ते संक्रमण के बीच छोटे बच्चों की वैक्सीन की जरूरत महसूस होने लगी है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।